खबर पिपरिया से। पिपरिया नगर के पास ग्राम रायखेड़ी के ग्रामवासियों ने कल तहसील कार्यालय में एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी के नाम ज्ञापन दिया था कि रेत का अवैध कारोबार रोका जाए, नहीं तो ग्रामवासी आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। इस कारोबार के कारण रात में कई ट्रालियां रेत लेकर गांव से गुजरती है, जिसके कारण कई एक्सीडेंट हो चुके हैं और कई दुर्घटना होती रहती है। ये तेज रफ्तार ट्रालियां गांव वालों के लिए खतरा बनी हुई है। ग्रामवासियों ने पहले भी कई शिकायतें की, पर प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। ज्ञापन के अनुसार रायखेड़ी ग्रामवासी आज से आमरण अनशन पर बैठे हैं। खबर भारत वर्ष के संवाददाता नवनीत परसाई ने जाकर ग्रामवासियों से जानकारी प्राप्त की। रेत से हम कितने परेशान हैं, कई बार पेपरों में छप चुका है सब में, और कई बार हम शिकायत भी कर चुके सैकड़ों बार। एक साल से ऊपर हो गया, कम से कम 25 से 30 ट्रैक्टर दिन रात चलते हैं, और जिससे पहली दुर्घटना में हमारे गांव का उसका एक ही पुत्रा नीलेश पिता काशीराम, जिसकी ट्रैक्टर में एक्सीडेंट होने से मृत्यु हो गई थी, और उसके भी FIR नहीं कर रहे थे। आखिरी में अस्पताल में हमने पोस्टमार्टम रुकवाने के बाद FIR हुई, एक घंटे के अंदर ट्रैक्टर ले आए, नेतर कह रहे थे अब ट्रैक्टर अज्ञात वाहन में FIR करा दो, ढूंढेंगे ट्रैक्टर को। जब हमने पोस्टमार्टम रोका, SDOP साहब से निवेदन किया, SDOP साहब ने कहा जाओ एक घंटे के अंदर ट्रैक्टर ले गया, तो एक घंटे में ट्रैक्टर को ले गए। अब दूसरी घटना, ये लांजी के हैं धर्मेंद्र पटेल, ये दूध का काम करते हैं, रात को दूध दे के आ रहे थे 11-12 बजे करीब, इधर से रेत के ट्रैक्टर जा रहे होंगे, तो उधर से जैसे ही आए तो उनका एक्सीडेंट हो गया। ये बता रहे हैं कोई ऐसा ट्रैक्टर था, और जो रात भर वहाँ पड़े रहे, इनको उठाया नहीं, और कोई आए तो उनने ये और इसको रोड के बाहर और फेंक दिया। अब आप कब तक बैठेंगे यहाँ? अब हम तो बैठे हैं भाई साहब, अगर कोई अधिकारी हमको संतोषजनक जवाब दे, या संतोषजनक तो क्या, 6 महीने में संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए तो अब क्या दे पाएंगे। जब हम इस स्थिति पे आ गए कि हम अनशन पे बैठने को भी तैयार हैं, मरने मारने की भी हो सकती है स्थिति बन जाए। रेत को लेकर आपके ऊपर पहले भी ऐसा आपके द्वारा बताया गया था कि कुछ दबाव भी आते हैं। जिसमें रेत चोर मेरे को झूठे केस में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, मारने की कोशिश कर रहे हैं। रात को भी जैसे ही SDM साहब ने वो एक ट्रैक्टर को जब्त किया, तो कुछ लोग मोटरसाइकिल से आए, वहाँ गाली बक रहे थे, बोला थे हम नदी में गाड़ देंगे सालों को, किसने ट्रैक्टर पकड़ा है। कौन लोग पिपरिया से आए थे, कोई 3-4 लोग, एक मोटरसाइकिल पे 3 लोग थे। अच्छा जी, तो रात में कार्रवाई की है अनुविभागीय अधिकारी द्वारा? कल 4 बजे हमने फोन लगाया, हमने जब प्रेशर बनाया तो SDM साहब ने कहा किसी भी पोजीशन में हम दल बदल के कार्रवाई करेंगे। उसके फोन लगाया साहब ट्रैक्टर चालू हो गए, तो उनने तत्काल नायब तहसीलदार को और किसी को भेजा, गाड़ी को तत्काल भेजा, तो रामपुर साइड भाग गए, देहलवाड़ा साइड भाग गए कुछ, तो रात को नहीं पकड़ा पाए, रेत खाली करके निकल गए। धर्मेंद्र पटेल, ये जो चोट के निशान हैं ये काय के हैं, कैसे हुए? मैं 11 बजे रात के पिपरिया लौट रहा था दूध देते, और आई से ट्रैक्टर रेत भर के जा रहा था, और मेरे लिए एक्सीडेंट मारते हुए निकल गया। कब की बात है? 11 बजे रात। आज क्यों बैठे हैं आप ज्ञापन पर यहाँ पर, अनशन पर क्यों बैठे हैं? सोशल डिस्टेंसिंग, मैं सुनवाई नहीं हो रही थी, तो मैंने फिर केस लगवाया, फिर केस लगा के रिपोर्ट करने की कोशिश की, इधर सुनवाई नहीं हो रही थी। लॉकडाउन में आप क्या अनशन पर बैठे हैं यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग से यहाँ सभी लोग? हाँ, ट्रैक्टर बंद होने रेत के। कब से चल रहे हैं ये? कम से कम हो गए 2-3 साल कंटिन्यू चल रहा है अभी। हाँ। ये लॉकडाउन में भी
ट्रैक्टर बंद नहीं हुआ, यहाँ रेत खनन बंद नहीं हुआ। ये कहाँ से होता है, किस खदान से होता है रेत उत्खनन? जी गांव की नदी में हो, कहीं नए गांव है, भूचाल है, इधर जी नदियों में लाते हैं। तो इसके लिए आपने कहीं शिकायत की है पहले भी? शिकायत करने में क्या, शिकायत करते है उसके बाद ज्ञापन सौंपा, ज्ञापन सौंपा तहसील में? हाँ कई बार, फिर भी कोई सुनाई नहीं। पिपरिया से खबर भारतवर्ष के लिए नवनीत परसाई की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।